हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। सो एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने एक नया नोटिस निकाला है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट्स एट डिफरेंट पोस्ट। कौन कौन सी है? देखो, टीचर्स के लिए है, लाइब्रेरियंस के लिए है, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड मिनिस्ट्रल स्टाफ्स को रिक्रूट करने के लिए नोटिस निकाला है। देख लेते हैं किस किस लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज निकली है। सो पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करें, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट की निकली है, ठीक है, 7th सीपीसी लेवल, पे लेवल विल बी 8 और अबव एज पर द 7th सीपीसी पे मैट्रिक स्केल। सब्जेक्ट देख लेते हैं किसके सब्जेक्ट में निकली है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस में 2 निकली है, इकोनॉमिक्स में 1, इंग्लिश में 5 वैकेंसीज है, फाइन आर्ट में 6 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी में 3 है, हिंदी में आपकी 2 वैकेंसीज है, हिस्ट्री में 6 वैकेंसी है, होम साइंस में 1 है, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड स्कूल काउंसलर। टोटल ये पीजीटी लेवल पर वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज 59 है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। टीजीटी लेवल पे भी निकली है वैकेंसीज। नेम ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है, आर्ट, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक, म्यूजिक। नेचुरल साइंस की भी वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, सोशल स्टडीज एंड वर्क एक्सपीरियंस। टोटल 117 वैकेंसी है टीजीटी लेवल पर। ओके, अदर वैकेंसीज आर ऑल्सो दिस। प्राइमरी और असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर अकेडमी की 178 रिक्रूटमेंट है टेंटेटिव। प्राइमरी टीचर एक्टिविटीज़ की 13 है वैकेंसीज एंड प्राइमरी टीचर्स 2, ठीक है, टेंटेटिव रिक्वायरमेंट है। टोटल 193 है। ओके, आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। नर्सरी टीचर, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन की भी है, ठीक है, रिक्रूटमेंट। नर्सरी टीचर की 46 है। यहाँ पे साइड में देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 26 रिक्वायरमेंट है, लाइब्रेरियन की 8 है। वुमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की 1 है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टेक्सटाइल की भी 1 है, लैंग्वेज टीचर इंग्लिश 1। ओके, सो डांस टीचर कथक की भी रिक्वायरमेंट है 1, म्यूजिक टीचर की 2 रिक्वायरमेंट है, टोटल 6 है। अगर हम मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में देखें तो वहाँ पर भी रिक्रूटमेंट है टोटल 13। ओके, सो दीज आर द रिक्वायर। अब देखो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट होना चाहिए, ही शुड बी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ सेंट्रल दिल्ली और स्टेट गवर्नमेंट का रिटायर्ड कैंडिडेट ही होना चाहिए, या फिर उससे इक्विवेलेंट सर्विस, या फिर रिसिप्ट ऑफ पेंशन, ठीक है, इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन होना चाहिए। 65 ईयर्स एज से कम होना चाहिए, ठीक है, मेडिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट, कोई विजिलेंस एंगल से फ्री होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केस, कोर्ट केस वगैरह नहीं होना चाहिए कैंडिडेट पे, ठीक है, एंड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स, मोबाइल ऐप्स की भी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कैंडिडेट्स को, ठीक है। देखो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो इसके लिए, मेथड ऑफ सेलेक्शन क्या रहेगा। जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो एनडीएमसी की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर, ठीक है, यहाँ पे ये देखो वेबसाइट का लिंक भी गिवन है, www.ndmc.gov.in ये दिया हुआ है, ठीक है। ईमेल आईडी अपने एप्लीकेशन कैंडिडेट ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। कौन सी ईमेल आईडी? directorate.education@ndmc.gov.in, इस पर ईमेल भी कर सकते हैं, प्लस बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं और बाय पोस्ट भी अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आप बाय हैंड और पोस्ट कर रहे हो तो उसको कहाँ पे करना होगा? एट डायरेक्टर 5016 पालिका केंद्र एनडीएमसी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको सबमिट करना होगा। जो लिंक है वो रिमेन ओपन रहेगा अप टू 1 तारीख तक, 1/5/2022, मतलब 1 मई तक ओपन रहेगा लिंक। 1 मई तक आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो उन्होंने मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल नंबर, ईमेल जो आप दियोगे वो उसके थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यू के लिए। कुछ दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? जून में लिया जाएगा इंटरव्यू। जो डेट और टाइम जो भी होगा वो कैंडिडेट को बता दिया जाएगा। और जब वो इंटरव्यू के
के लिए आएंगे तो कुछ सेल्फ असिस्टेड कॉपीज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वेरिफिकेशन के लिए. ओके, यहाँ पे देखो ये दी हुई है क्या क्या आपने लाना है ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सेल्फ असिस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सेल्फ असिस्टेड कॉपीज लानी है, ठीक है, और एक्सपीरियंस की भी लानी है अगर कोई है. सेल्फ डिक्लेरेशन लाना है कि ही इज़ मेडिकली एंड मेंटली फिट. पेंशन पेमेंट ऑर्डर या फिर कोई इक्वलेंट डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ठीक है, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं जो भी रिक्वायरमेंट है. ओके, यहाँ पे देखो एंटाइटलमेंट ऑफ लीव भी दिया हुआ है, 8 days लीव जो भी कैलेंडर में मेंशन होती है वो दी जाएगी. ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो कि जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है. अगर कोई आपको क्वेरी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस फ़ोन नंबर पे या फिर ईमेल करके इस आईडी पे ईमेल कर सकते हो, तो आपको जो भी क्वेरी है वो आपकी क्लियर हो जाएगी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट इन एनडीएमसी, ओके, फॉर द रिटायर्ड कैंडिडेट्स. ओके, मैं आपको बता देती हूँ ये नोटिस आपको मिलेगा कहाँ से. आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे एनडीएमसी की साइट खोलेंगे, ठीक है. ऑनलाइन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है online.government.in, ठीक है. आपने कौन सी साइट पे जाना है, इस वाली साइट पर जाना है आपने, ठीक है. एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे अप्लाई हेयर पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है. नोटिफिकेशंस में जाओगे तो आपका ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा, राइट. एनडीएमसी की साइट पर जाओगे online.ndmc.government.in, वहाँ पे रिटायर्ड कैंडिडेट्स का देखो आया हुआ है. सो दिस वाज ऑल अबाउट. सो 1 तारीख इज़ द लास्ट डेट, 1 मई इज़ द लास्ट डेट. सो जिन भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो इस पे फिल कर सकते हैं. आई होप यू लाइक माई वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका. डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज इंस्टा का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.